हेलो, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्लियर स्किन, पुणे। गए एपिसोड में हम लोगों ने देखा कील मुहासे या पिंपल एक्नी कैसे तैयार होती है, उसके ट्रीटमेंट के क्या क्या प्रोसीजर हम लोग करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, और अगर पिंपल्स सही टाइम पे, सही जगह, सही मेथड से अगर ट्रीट नहीं किए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। एक्नीस का यानी पिंपल्स अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किए तो उसके जो खड्डे गिर जाते हैं, स्कारिंग हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, वही मेन रीजन है डिसफिगरमेंट ऑफ फेस की। तो हम लोग ये स्कार कैसे ट्रीट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो स्कार के डिफरेंट टाइप्स है, कितनी सीवियर एक्नी है, पिंपल है, उसी वजह से स्कार करते हैं। छोटे माइन्यूट स्कार रहते हैं उनको आइस्पिक स्कार होते हैं। ये जो अपना आइस्पिक रहता है उसी तरह ऊपर कोनिकल और अंदर ऐसा छोटा छोटा बन जाता है आइस्पिक, ये बहुत डिफिकल्ट स्कार रहता है। दूसरे स्कार है रोलिंग स्कार है, बड़े बड़े जो कील मुहासे होते हैं जिसमें नोडुलोसिस्टिक एक्नी बोलते हैं, पुशुलर एक्नी बोलते हैं, वो अगर बड़े हो गए तो उनका बड़ा स्कार गिरता है और वो ऐसा रोलिंग रहता है, उसके जो बाजू है, जो बाजू वाला पोर्शन है वो वहां से ऐसे रोलिंग अंदर हो जाता है। थर्ड रहता है बॉक्स टाइप ऑफ स्कार। बॉक्स टाइप के जो एजेस रहते हैं वो एजेस शार्प रहते हैं और बहुत डीप घना अंदर खोल वो जाता है। तो ऐसे ये तीन स्कार है। स्कारिंग होने के बाद क्या हो जाता है, नॉर्मल स्किन टिश्यू डिस्ट्रॉय कर दी जाती है और फाइब्रस टिश्यू की वजह से वो स्किन खराब दिखने लगती है, पिगमेंटेड दिखने लगती है और वो स्किन को ये जो फाइब्रस टिश्यू है ये अंदर ऐसे खींचता है, यानी स्किन को वो फाइब्रस बैंड अटैच हो जाते हैं और स्किन के डीप टिश्यू को अटैच हो जाते हैं, उसी वजह से वो गड्ढे बहुत गहरे दिखते हैं, बॉक्स स्कार दिखते हैं, रोलिंग स्कार दिखते हैं। हमें ये इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए, ये स्कार की टिश्यू नॉर्मल स्किन नहीं है और वो गड्ढा है, इसलिए जो कोई लाइट ही उसके ऊपर गिरेगा उसकी वजह से वो गड्ढा और ज्यादा गहरा दिखेगा और काला दिखता है। इसलिए एक्नी स्कार की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करना जरूरी है। तो क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं, दो पार्ट है, एक सर्जिकल, एक केमिकल और तीसरा जो पार्ट है वो पार्ट है लेजर ट्रीटमेंट। सर्जिकल में क्या करते हैं, हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो स्कार है वो फाइब्रस टिश्यू होने की वजह से ये फाइब्रस बैंड जो खींच रहे हैं वो ऊपर की फाइब्रस टिश्यू एक्नी स्कार की टिश्यू को, उसको हमें अंदर एक डिफरेंट नीडल रहती है वो अंदर डाल के ये अगर फाइब्रस टिश्यू कट कर दिए तो ये नीचे से ऊपर जो अटैचमेंट है वो कट हो जाएगी और ये स्कार टिश्यू ऊपर आ जाएगा। दिस इज सर्जिकल ट्रीटमेंट सब्सिजन। इट इज इंपॉर्टेंट, इफ डॉक्टर डजंट डू दैट देन चांसेस ऑफ ये बिग स्कार, जो बड़े स्कार है, गड्ढे है, उनको ट्रीट होने के चांसेस फिर कौन सा भी लेजर यूज करो वो कम रहते हैं, रिजल्ट्स आर नॉट गुड। दूसरा चीज है सब्सिजन हो गया, कुछ बड़े बड़े स्कार इरेगुलर रहते हैं उसे हम लोग निकाल देते हैं और स्टिच मारते हैं। तो ऐसा समझो बड़ा स्कार है, इसको कट करके निकाला और स्टिच कर दिया तो इतना बड़ा है वो इतना छोटा हो गया, तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है और फिर हम लोग लेजर कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग है, जो एजेस रहते हैं स्कार के वो CO2 लेजर या रेडियो फ्रिक्वेंसी से उसको हम लोग स्मूथनिंग करते हैं ताकि वो गड्ढा ज्यादा ना दिखे। तो स्मूथनिंग ऑफ एजेस, सब्सिजन, एक्सिजन, दीज आर द मेन सर्जिकल ट्रीटमेंट व्हाट वी डू फॉर एक्नी स्कार। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, जब एक्नी स्कार थोड़े पिगमेंटेड रहते हैं, रेडिश रहते हैं, लाल रहते हैं उस टाइम, या एक्नी रहते हैं उसी टाइम, हम लोग IPL, इंटेंस पल्स लाइट या लॉन्ग पल्स इंडिया लेजर से वो रेडनेस कम कर देते हैं, स्कार होना ही कम कर देते हैं। एक्नी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दी तो स्कार होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, कोमेडोन एक्सट्रैक्शन किया तो भी कम हो जाते हैं। तीसरी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है एक्नी स्कार न होने के लिए, हाथ से मत फोड़ो,
जिसे हम लोग एक्सकोरिएशन बोलते हैं, जब हम कोई भी एक्नी ऐसे हाथ से दबा के निकालते हैं आईने के सामने जाके, देन क्या हो जाता है, थोड़ा जो सिक्रीशन है, पस है एंड सीबम है, वो बाहर आ जाता है और थोड़ा अंदर जाता है। अंदर गया हुआ वो जो सीबम है वो केमिकली स्किन को अंदर से इरिटेट करता है और काले दाग गिरते हैं या खड्डे गिरते हैं। इसलिए हाथ से मत फोड़ो, एक्नी के स्कार होने के चांसेस कम है, डॉक्टर कोमेडोन एक्सट्रैक्शन से वो निकाल सकते हैं। तो एक्नी स्कार हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर टाइम, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड केमिकल पील से लेके लेजर से लेके आईपीएल एनडीएक्स से हम लोग स्कार प्रिवेंट कर सकते हैं। बट एक बार अगर स्कार हो गया तो जैसे मैंने आपको बताया, सर्जिकली हम ट्रीट कर सकते हैं, केमिकली वेरियस पील से ट्रीट करते हैं, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है लेजर्स। कौन कौन से लेजर्स है, लेटेस्ट लेजर तो उसमें है फ्रैक्शनल सीओ, आरबीएम ग्लास, माइक्रोनीडल आरएफ, ये जो टेक्नोलॉजीज है उसकी वजह से ये स्कार टिश्यू में इंप्रूवमेंट आ जाते हैं। और ये लेजर लाइट या रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये रेड अंदर जाके स्किन के नीचे जो कोलेजन टिश्यू रहती है उसको स्टिमुलेट करते हैं, न्यू कोलेजिनेशन करते हैं। उसी वजह से अंदर कोलेजन तैयार होने के बाद ये जो गड्ढा है इसको ये कोलेजन टिश्यू अंदर से बाहर ढकलती है, अंदर से बाहर पुश करती है, ताकि वो जो खड्डा है वो थोड़ा भरा हुआ दिखता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन ये करते समय सब्सिजन करना ही इंपॉर्टेंट थिंग, सर्जिकली वो फाइब्रस बैंड निकाले। तो ये नीचे लेजर की वजह से जो कोई कोलेजन टिश्यू तैयार होगी वो गड्ढे को ऊपर करेगी, और वो ऊपर करने के बाद आपके एक्नी स्कार कम हो जाएंगे। Acne scar, one scar is lifetime scar. You can make it improve, you can make skin better, but you cannot totally vanish the acne scar. ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। तो acne scar न हो देना, acne को ही पहले ही treat करना, ये acne scar न होने से बचने की एक अच्छी चीज है। लेकिन होने के बाद भी ये various treatment कर देते, तो कितने treatment करनी चाहिए, कहाँ ट्रीटमेंट करनी चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट इज वन ऑफ द गुड प्लेस, वेयर जहां डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपको अच्छी तरह से इसके बारे में गाइड करता है। उसके पास बहुत सारे ट्रीटमेंट रहते हैं, कुछ कुछ लोगों के पास लेजर्स रहते हैं, लाइट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, लेकिन सब्सिजन, पीआरपी, सीओटू लेजर, ये सब आरबीएम ग्लास लेजर, माइक्रोनीडल आरएफ और सिंपल डर्मा रोलर, पीआरपी, ये सब चीजें जो डॉक्टर कर सकता है वहां आपके एक्नी स्कार के ट्रीटमेंट अच्छे होने के चांसेस है। लेकिन इनएक्सपीरियंस पर्सन, छोटे 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 निकले हैं बाहर बहुत सारे ठिकान जहां आप लोग स्कार के ट्रीटमेंट करने जाओगे तो कालापन होना, लेजर बर्न होना, या बहुत जो स्कार है वो वर्स्ट होना, ये होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अच्छे डॉक्टर के पास जाके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मॉडेलिटीज करके आप आपके स्कार अच्छे बना के आपकी पर्सनैलिटी अच्छी कर सकते हैं। हम लोग आपको हमेशा अच्छी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.clearskin.in पे आप जा सकते हैं। वहां एक्नी, एक्नी स्कार एंड बहुत सारे स्किन कंडीशंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और वो जो इंफॉर्मेशन है उसमें भी अगर आपको लगा कि और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें, हम लोगों ने आपके लिए वहां क्वेश्चन पूछने की एक जगह रखी है, वहां आप आपका क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम लोग जितने जल्दी हो सके उतने आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। हमेशा नई जानकारी मिलने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या यहाँ भी आप लोग हमें जानकारी या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। ईमेल कर सकते हैं, यहाँ कमेंट लिख सकते हैं, वी विल ट्राई टू एजुकेट, आप सबको एजुकेट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट इज बेस्ट पर्सन टू ट्रीट योर एक्नी स्कार बिकॉज ही नोज, उसे मालूम है क्यों एक्नी हो गए, कैसे ट्रीट करने हैं, और वो आपको ट्रीट कर सकता है।
क्लियर स्किन पुणे में सभी टाइप के लेजर है, सभी टाइप की सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, या एक्नी स्कार न होने के लिए एक्नी की भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हम करके आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए चूज गुड डर्मेटोलॉजिस्ट सो एज टू प्रिवेंट फर्दर एक्नी स्कारिंग एंड पोस्ट एक्नी सिक्वेली। थैंक यू वेरी मच।